देखिए, अब हम बात करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को सीखने के बाद, अब हम बात करने वाले हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। अब हमारा पूरा डिस्कशन कुछ समय के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर होगा। देखो, वैसे तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसी भी नेचर के हो सकते हैं। अब आप समझते भी हो कि अगर पार्टिकल रेस्ट पर है तो वेलोसिटी अलग होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से तो ग्राफ अलग होगा, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो ग्राफ अलग होगा, डिक्रीज हो रही है तो ग्राफ अलग होगा, एक्सेलरेटिंग है तो अलग होगा, रिटार्डिंग है तो अलग होगा। तो यहां पर एक जनरल सिचुएशन ली गई है कि ग्राफ मान लो इस तरह से प्लॉट किया गया है कि टी वन पोजिशन पे पार्टिकल की वेलोसिटी वी वन है और टी टू पोजिशन पे पार्टिकल की वेलोसिटी वी टू है। अब ये बनने वाला एंगल थीटा है, ये ए है और ये बी है। तो आपसे अगर कहा जाए कि आप थोड़ा ध्यान से देखिए, ये ए और ये बी, ये आपके पास में मान लो इंटरसेक्शन पॉइंट में सी कह देता हूं। अच्छा, आप लोगों को ये बात अच्छे से पता है, हमने एक्सेलरेशन का डेफिनेशन सीखा था और वो था चेंज इन वेलोसिटी फॉर गिवन टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी फॉर गिवन टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी में चेंज वो भी गिवन टाइम इंटरवल के लिए, उसे एक्सेलरेशन कहा जाता है। बराबर है? तो आप समझना ध्यान से, ये थीटा है, यहां से यहां तक टोटल टी टू था, यहां से यहां तक टी वन है, तो यहां से यहां तक टोटल कितना आया, तो यह आया टी टू माइनस टी वन। देखो, यहां से यहां तक वी टू है, ये वी टू है, ये आपके पास में वी वन है, तो ये कितना आएगा, वी टू माइनस वी वन। तो आप टेन थीटा निकाल के चेक करो, टेन थीटा कितना आने वाला है। सो टेन थीटा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस वी टू माइनस वी वन अपॉन टी टू माइनस टी वन, और यही है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन वेलोसिटी फॉर गिवन टाइम इंटरवल। और चेंज इन वेलोसिटी फॉर गिवन टाइम इंटरवल, दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। हम इसे क्या कहते हैं स्टूडेंट, एक्सेलरेशन कहते हैं। मतलब मैं कहूंगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का टेन थीटा, अरे वेलोसिटी ग्राफ टाइम ग्राफ का टेन थीटा या वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप किसे बताता है, तो वह एक्सेलरेशन को बताता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन को बताता है। अब आइए सेकंड ग्राफ पर फोकस कीजिएगा। ये ग्राफ यहां से मान लीजिए शुरुआत में पार्टिकल, जिस समय मोशन शुरू हो रहा है, पार्टिकल ओरिजिन पर है, इनिशियली उसकी वेलोसिटी, ओरिजिन पे ना बोलते हुए मैं बोलूंगा इनिशियली उसकी वेलोसिटी समथिंग है 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, सडन वेलोसिटी 2 सेकंड के बाद 30 मीटर पर सेकंड हो गई। अब आप क्या करते हैं, मान लो इसका एरिया निकालते हैं, एरिया निकालते हैं, तो समझना ध्यान से एरिया क्या आएगा। ये पूरा के पूरा आपको दिख रहा है ट्रेपेजियम, ये दिख रहा है आपको ट्रेपेजियम। आप थोड़ा समझने पे ध्यान दीजिए, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बिल्कुल हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब ये वाला और ये वाला, यहां से यहां तक u, यहां से यहां तक v, तो ये आ गया u प्लस v मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, तो ये आ गया h, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम मतलब t। अब आप जानते हैं एरिया हाफ, और यहां नोटिस कीजिएगा ध्यान से, अगर मान लो ऐसा होता, सपोज ये वेलोसिटी होती 10 मीटर पर सेकंड और हम बात करते 2 सेकंड के लिए, तो एरिया क्या आता, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना है 2 सेकंड है, हाइट कितनी है 10 मीटर पर सेकंड है। अब चेक करना, सेकंड सेकंड कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आया 10 मीटर आया। अच्छा, मीटर आया मतलब क्या आया, डिस्प्लेसमेंट आया। भाई मीटर किसकी यूनिट है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, मीटर किसकी यूनिट है, या तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। तो मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात कर रहा हूं, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो ये जो एरिया होगा ये डिस्प्लेसमेंट को बताएगा, और ये देखो वेरीफाई भी होता है, u प्लस v मल्टीप्लाई बाय t, आप जानते हैं v इक्वल टू u प्लस at होता है, तो s इक्वल टू यहां से निकाला जा सकता है हाफ u प्लस at इंटू t, तो s इक्वल टू आ गया, s इक्वल टू सॉल्व करने पर ut प्लस हाफ at स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो बेसिकली दिस रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट, मतलब अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकाला जाए, रिपीटिंग वंस अगेन, क्या निकाला जाए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकाला जाए, तो वो क्या बताएगा, वो डिस्प्लेसमेंट बताएगा। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकाल के उसका मॉड ले लिया जाए, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड ले लिया जाए, तो वो डिस्टेंस बताएगा। तो मतलब पहले डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो आप डायरेक्ट वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकाल दो, और डिस्टेंस निकालना हो डिस्टेंस, तो जो भी डिस्प्लेसमेंट निकालिए उसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए, वो डिस्टेंस आएगा। देखो, अभी हमने सीखा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालो तो डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करता है, उसका मॉड ले लो तो डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है। आइए कुछ बातें समझते हैं। यहां पर क्या बोला गया है कि आपको एक ग्राफ गिवन है वेलोसिटी टाइम ग्राफ,
इसमें आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी निकालने का तरीका क्या होता है, तो पहले रिकॉल करो एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन। एवरेज वेलोसिटी इज कॉल्ड टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो हम इसे कहते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। वापस सुन लेना ध्यान से थोड़ा सा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, इसे क्या नाम दिया जाता है? तो इसे कहा जाता है एवरेज वेलोसिटी। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो देखो, यहां से यहां तक पॉजिटिव, यहां से यहां तक नेगेटिव। अब निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट, पहले एरिया निकाल लेते हैं A1, दूसरा एरिया निकाल लेते हैं A2। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा A1 माइनस A2 अपॉन टोटल टाइम जो है, देखो 0 से 5, 5 से 10, तो टोटल टाइम कितना है? 10 सेकेंड। तो आइए A1 निकालते, एरिया। तो A1 एरिया, ट्राइंगल दिख रहा है, ट्राइंगल का एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट समझो, बेस कितना है यहां से यहां तक 5, और हाइट कितनी है? तो 5 मीटर पर सेकंड। तो ये सेकंड सेकंड कैंसिल हुआ, तो ये आ जाता है 5/25, 25/2, तो ये आ गया पहला एरिया। ठीक है, आप समझना ध्यान से। अब हम बात कर रहे हैं इधर वाले लोअर सेगमेंट की, तो लोअर सेगमेंट में भी चेक करो A2, यहां से यहां तक कितना है? हाफ। बेस कितना है? 5 से 10, तो 10 माइनस 5 कितना आया? तो 10 माइनस 5 आपके पास आ चुका है 5, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? तो ये भी 5 है, तो अगेन ये आता है आपके पास में 25/2। आप चेक करो बच्चों, 25/2 माइनस 25/2 डिवाइड बाय 10, तो आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा 0। तो एवरेज वेलोसिटी फॉर दिस केस विल बी 0। तो हमने सीखा, पहले हमने क्या किया, पहले हमने टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाला। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या किया? तो एरिया निकाला, उसके बाद क्या किया, साइन के साथ में लिया, साइन के साथ में लिया। अपर पोर्शन पॉजिटिव था, पॉजिटिव लिया, लोअर पोर्शन नेगेटिव था, नेगेटिव लिया। अब आइए हम बात करते हैं, यहां पर हमें 0 से लेकर 6 सेकंड तक मोशन बताया गया है, और उस मोशन के मुताबिक आपको क्या बताना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। भाई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो अपर एरिया A1, दूसरा A2, तीसरा A3। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा, तो साइन के साथ लेंगे A1 माइनस A2 प्लस A3। अच्छा, डिस्टेंस निकालना होता तो क्या करेंगे? डिस्टेंस निकालने के लिए आप सीधा सीधा लेंगे मॉड A1 माइनस मॉड A2 और A3। सिंपल लेंगे A1 प्लस A2 प्लस A3। आइए, ये आ गया आपके पास में रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया L × B, यहां से यहां तक 2, यहां से यहां तक 4, तो 2 + 2 × 4 कितना हुआ? 8। अच्छा, यहां देखो 2, यहां से यहां तक 2, और ये 4 − 2 मतलब क्या हुआ? 2, तो 2 × 2 = 4 प्लस, यहां चेक करो 6 − 4, भाई चेक करो 6 − 4 कितना है, तो 6 − 4 आ गया आपके पास 2। अच्छा, 2 × 2, तो ये भी 4 आ गया, तो ये कैंसिलेशन होता है, तो 8 मीटर पर सेकंड ये वेलोसिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट होता है, मीटर आएगा ना, तो 8 मीटर आपके पास में डिस्प्लेसमेंट आता है। अच्छा, डिस्टेंस निकालना तो क्या, जो A1 लिया 8, A2 जो लिया -4 और +4, टोटल 8, 4, 12, 12 + 4 कितना आया? 16 मीटर आया। तो चेक करो, डिस्टेंस बड़ा आया और डिस्प्लेसमेंट छोटा आया। यहां पे मैं विदाउट साइन बता रहा हूं, यहां पर मुझे विद साइन के साथ में बात करनी है। तो हमने एरिया निकाला और इस तरह से डिस्प्लेसमेंट सीख लिया। आइए, अब तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने, ये वाला क्वेश्चन जो बताया गया है, इसमें पार्टिकल के लिए आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों निकालना है। थोड़ा चेक कीजिएगा, इस ग्राफ में एक खास बात दिख रही है, सारा के सारा जो भी डिस्कशन हो रहा है वेलोसिटी का, वो पॉजिटिव हाफ में हो रहा है। सारा के सारा जो भी डिस्कशन वेलोसिटी का हो रहा है वो पॉजिटिव हाफ में हो रहा है, मतलब हम बात कर रहे हैं ऊपर वाले सेगमेंट में हो रहा है। तो अब हम इसको अलग अलग एरिया में डिवाइड कर सकते हैं। तो देखो, मैं इसको 3 एरिया में बना लेता हूं। ये सबसे पहले बड़ा वाला एरिया बना लेता हूं मैं, ठीक है, हाँ, हम इसको 3 एरिया में बना सकते हैं, उससे भी ज्यादा एरिया में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले मैं ये कन्वर्ट कर लेता हूं आपके सामने, यहां से यहां तक का एरिया A1। फिर दूसरा कन्वर्जन मैं करना चाहूंगा ये वाले एरिया का, और तीसरा कन्वर्जन करना चाहूंगा इस वाले एरिया का। तो देखो, यहां पर इसका मैं एरिया कहता हूं A2, इसका एरिया कहता हूं मैं आपसे A3। अच्छा, ये देखिए, ये ट्रेपेजियम नजर आ रहा है, तो A1 निकालना है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड में ये 2, और ये यहां से यहां तक कितना है?
2 माइनस 1 मतलब 1. सो सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस. परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब ये वाले डिस्टेंस. तो ये है 20. तो पहला एरिया आपके पास आ चुका है 2 + 1 = 10 मल्टीप्लाई बाय 2 + 1 = 3 = 30 मीटर. बराबर. अब देखो इस केस में इस वाले ट्रेपेजियम को देखना. हाँ, सम ऑफ पैरेलल साइड में देखो ये वाली साइड 2 से यहां से लेकर यहां तक तो ये 20 और यहां से लेकर यहां तक तो ये है 10. तो 20 + 10 * परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी. देखो ये ऐसा होगा ग्राफ, यहां से यहां तक 20 है, यहां से यहां तक 10 है और ये आपके पास 1 है क्योंकि 3 - 2 = 1 हो जाएगा. तो 20 + 10 कितना होगा 30. 30 / 2 कितना होगा तो +15 मीटर होगा. और थर्ड एरिया निकाल लीजिए. तो थर्ड एरिया निकाला जाएगा तो ये रेक्टेंगल बन, ये देखो इस तरह से बन रहा है. यहां से यहां तक है 10, यहां से यहां तक है 4 - 3 = 1. तो 10 × 1 आ गया 10. तो अब क्या हुआ 30 + 15 + 10 25 + 30 मतलब 55 मीटर इसका आंसर निकल कर आता है. जिस विद द आंसर विल बी +55 मीटर. तो हम 55 मीटर आंसर बता. देखो यहां पर दो क्वेश्चन और आपको गिवन है. इन दोनों क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आपको पहले इसमें से डिस्प्लेसमेंट निकालना है और इस केस में क्या करना है कि लास्ट इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट आया है लास्ट 2 सेकंड और टोटल का रेशियो निकालना है आपको. तो देखो यहां डिस्प्लेसमेंट निकालना है मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट तभी आता है जब हम इसका एरिया निकालते हैं. और एरिया होगा 1/2 × सम ऑफ पैरेलल साइड यहां से यहां 30 और देखो ये आ जाएगा 20 - 10 मतलब 10 मल्टीप्लाई में परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब 10. तो 30 + 10 मतलब कितना हुआ 40. 40 / 2 × 10 तो 40 / 2 कितना है आपके पास में 220 × 10 तो ये आ जाता है आपके पास में 200 मीटर. तो दिस विल बी 200 मीटर. पापा चेक कर लीजिए हाफ सम इनटू पैरेलल साइड 30 + 10 = 40 / 2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो 200 मीटर आता है. अब देखो लास्ट 2 सेकंड में कितना निकलेगा लास्ट 2 सेकंड में तो ये आएगा 1/2 × बेस 7 - 5 = 2 × परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1/2 × बेस × हाइट हाइट कितना है आपके पास में 10 तो ये आएगा आपके पास 10 मीटर. अब टोटल 7 सेकंड में यहां से 1 से 7 सेकंड की हम बात कर रहे हैं. तो पहला वाला एरिया में बात कर लेता हूं टोटल एरिया. तो 1/2 × सम ऑफ पैरेलल साइड तो 7 - 1 मतलब 6, 5 - 3 मतलब 2 मल्टीप्लाई में परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब 10. तो 6 + 2 कितना आया 8. 8 / 2 कितना आया 4. 4 × 10 कितना आया 40 आया. तो अगर आप a1 / a2 निकालो तो निकल जाएगा 40/10 मतलब 4:1 या a2 / a1 निकालो तो ये आ जाएगा 1:4. तो जो भी आपको निकालना हो फ्रैक्शन निकालना हो तो ये आंसर निकल के आए. देखिए अब आपको एक क्वेश्चन फ्रेम किया गया है. क्वेश्चन फ्रेम किया गया है कि आपने ऑब्जेक्ट को 100 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया है वर्टिकली अपवर्ड. तब ऑब्जेक्ट के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है और साथ साथ ऑब्जेक्ट के लिए स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है. तो वापस चेक करना बेटा ये इस तरह का प्रॉब्लम अब कैसा किस पर बेस्ड है. तो इसमें लैंग्वेज प्रॉब्लम है. लैंग्वेज प्रॉब्लम में बोला है पार्टिकल को अपवर्ड 100 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओ. अच्छा वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाने के लिए v = u + at तो 100 + at. आप थोड़ा ध्यान से बताइएगा जब ऑब्जेक्ट जाएगा अपवर्ड तो इस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां पर एक्ट होगा. ऑब्जेक्ट अपवर्ड जाएगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां पर एक्ट होगा बताओ. तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन जी और वो कैसी होगी तो वो डाउनवर्ड होगी. अब समझने पे ध्यान दे. अब जी डाउनवर्ड होगी साइन कन्वेंशन के हिसाब से देखा जाए तो ये एक्स एक्स डैश ये वाई और ये वाई डैश. तो देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन मतलब ए की वैल्यू माइनस जी होगी. तो v इक्वल टू लिख सकते हैं आप 100 - dt. जी को आप लिख सकते हैं 10 - 10t. तो v इक्वल टू लिखा जा सकता है -10t + 100. अच्छा ये इक्वेशन क्या बन गया ये बन गया y = mx + c और y = mx + c इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म. तो इंटरसेप्ट फॉर्म में c है +100 और m आपके पास कितना है तो m आपके पास -10 है. पापा चेक करना c कितना है +100 m कितना है -10 है. बराबर है. अच्छा m क्या होता है तो 10 थीटा होता है. 10 थीटा नेगेटिव है मतलब थीटा ग्रेटर देन 90 है लेस देन 90 है.
टेन थीटा ग्रेटर देन 90, थीटा नेगेटिव है 10 थीटा, तो थीटा ग्रेटर देन 90 है। तो आइए समझते हैं हम लोग, हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। कौन सा ग्राफ? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब बताइए थोड़ा ध्यान से, यहां पर सी मतलब इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट मींस इंटरसेक्शन ऑन वाई एक्सिस। इंटरसेप्ट का मीनिंग क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑन वाई एक्सिस। तो सी प्लस 100 है मतलब कहीं यहां पर होगा। अब यहां से दो ग्राफ पॉसिबल है, एक ग्राफ ये वाला, दूसरा ग्राफ ये वाला। अच्छा, पहले वाले ग्राफ में एंगल चेक करो, पहले वाले ग्राफ में एंगल थीटा वन है, दूसरे वाले ग्राफ में एंगल थीटा टू है। अब बताओ थीटा वन लेस देन 90, थीटा टू ग्रेटर देन 90। वहां पर चेक करो, थीटा वन लेस देन 90, थीटा टू ग्रेटर देन 90। अच्छा, लेस देन 90 मतलब 10 थीटा पॉजिटिव आएगा, और ग्रेटर देन 90 इसका मतलब 10 थीटा नेगेटिव आएगा। तो आपको क्या लेना है? आपको ऑब्ट्यूज लेना है या एक्यूट लेना है? तो आपको ऑब्ट्यूज लेना है, बराबर है ना? तो ऑब्ट्यूज लेना है, इसलिए कौन सा ग्राफ पॉसिबल होगा? ग्राफ वन पॉसिबल नहीं होगा, ग्राफ टू पॉसिबल होगा। तो ये ग्राफ आ गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अच्छा, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब आ चुका है, तो इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ की मदद से हमें क्या निकालना है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हेल्प से हमें स्पीड टाइम ग्राफ निकालना है। भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ की मदद से हमें स्पीड टाइम ग्राफ निकालना है। अच्छा, आप जानते हैं बात कि स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। अच्छा, स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव मतलब ये पॉजिटिव वाला पोर्शन, ये नेगेटिव वाला पोर्शन, तो पॉजिटिव वाले पोर्शन को ऐसे रहने दीजिए, बराबर। अब नेगेटिव वाले पोर्शन को भी आपको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, मतलब इसके इस जगह या इस लाइन के अबाउट इसका मिरर इमेज ले लीजिए, ऐसा, इस तरह से, ये यहां से ऐसा। तो ये आपके पास में पॉजिटिव और पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, और ये इसका स्पीड टाइम ग्राफ निकल कर आएगा। तो हम इस तरह से इसका स्पीड टाइम ग्राफ बना सकते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। क्वेश्चन ऐसा बोला गया है कि एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को आपने ड्रॉप कर दिया, ऑब्जेक्ट को आपने क्या कर दिया? ड्रॉप कर दिया। जब आपने ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, तो ड्रॉप करने के बाद ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताना है आपको, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताना है। जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, बराबर है, तो देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए v इक्वल टू यू प्लस एटी। मैंने अभी आपसे बताया कि जब आपने ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड गया, डाउनवर्ड गया है इसका मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस जी है। v इक्वल टू जीरो प्लस माइनस जी इंटू टी, तो v इक्वल टू लिखा जा सकता है माइनस जी टी, और ये y इक्वल टू एम एक्स, एम चेक कर लो क्या है, माइनस जी है। तो m माइनस जी है मतलब टेन थीटा नेगेटिव है, और टेन थीटा नेगेटिव इसका मतलब थीटा ग्रेटर देन 90 है, ऐसा कहा जा सकता है। तो ये रहा आपके पास टाइम, ये रहा आपके पास वेलोसिटी, अगेन ये टाइम और ये अगेन वेलोसिटी, बराबर। तो अब हम क्या कह सकते हैं, y इक्वल टू एम एक्स इक्वेशन होता तो ऐसा पास होता, लेकिन ये y इक्वल टू माइनस एम एक्स है। और इसमें भी एक इंटरेस्टिंग बात देखो, क्या कभी टाइम नेगेटिव होता है? टाइम कभी नेगेटिव होता है क्या? तो टाइम नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए इस वाले एरिया का ग्राफ बना नहीं सकते, इस वाले पोर्शन का ग्राफ बना नहीं सकते। तो जो भी ग्राफ होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरह से होगा, दिस विल बी द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपके पास आ चुका है। अब क्या है, वेलोसिटी है आपके पास माइनस जी टी। अब अगर एक्सेलरेशन पूछा जाता है, एक्सेलरेशन ग्राफ बनाओ, तो आप जानते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो डिफरेंशिएशन माइनस जी टी, डिफरेंशिएशन माइनस जी टी आता माइनस जी, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ टी की पावर वन, भाई माइनस जी कॉमन, डिफरेंशिएशन टी की पावर वन कितना आएगा, तो वन आएगा, तो ए इक्वल टू माइनस जी आएगा। मतलब अगर यहीं पर एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाना होता, तो एक्सेलरेशन का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता था, एंड दैट विल बी फॉर दिस वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन ग्राफ विल बी लाइक दिस, बिकॉज दिस इज नेगेटिव माइनस जी, ओके, माइनस जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। तो हमने इस तरह से सीखा कि अगर अपवर्ड थ्रो करें तो ग्राफ कैसे बनाते हैं, ड्रॉप करें तो ग्राफ कैसे बनाते हैं। आगे और भी इंटरेस्टिंग केसेस हम लेकर डिस्कस करने वाले हैं। पुरोहित एकेडमी मेन ब्रांच प्रभात चौक एमजे कॉलेज रोड लोकमान्य हॉस्पिटल बाजूला जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ बंधन बँकेशेजारी ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर जळगाव